दोस्तों एक बुजुर्ग हज के सफर पर गए थे। जब वो एक जगह से गुजर रहे थे उनके हाथ में एक थैला था, उसमें कुछ पैसे भी थे। अचानक एक चोर उनके हाथ से थैला छीनकर भाग गया। चोर काफी दूर निकल गया तब अचानक उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। आंखों की रोशनी जाते देख उस चोर ने रोना शुरू कर दिया। जब लोगों ने चोर से पूछा कि भाई क्या बात है, तो कहने लगा कि मैंने एक आदमी का थैला छीना है, वह कोई बड़ा अल्लाह वाला करीबी बंदा लगता है, मेरी आंखों की रोशनी चली गई, खुदा के लिए मुझे उसके पास पहुंचा दो ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। जब लोगों ने पूछा कि यह किस्सा कहां पेश आया था, तो कहने लगा फला नाई की दुकान के करीब पेश आया था। उसको उस दुकान पर ले गए और नाई से पूछा कि इस तरह का कोई आदमी यहाँ से गुजरा है, आप उसे जानते हैं? उसने कहा मुझे उसका घर तो पता नहीं है, मगर हाँ नमाज के लिए वह व्यक्ति हमेशा आते जाते रहते हैं, अगली नमाज के लिए वो फिर आएंगे। ये लोग इंतजार में बैठ गए, वह बुजुर्ग अपने वक्त पर तशरीफ लाए, लोग उस चोर को उनके पास ले गए। उस चोर ने जाकर उनके हाथ पांव पकड़ लिए, उससे गलती हो गई, गुनाह हो गया, नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ, मेरी आंखों की रोशनी छिन गई, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला मेरी आंखों की रोशनी फिर से वापस कर दे। वह बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने तो तुझे पहले ही माफ कर दिया है। यह सुनकर चोर बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा हजरत मैं तो आपका थैला छीनकर भागा और आप कहते हैं कि माफी मांगने से पहले ही आपने मुझे माफ कर दिया। वह फरमाने लगे हाँ मेरे दिल में कोई ऐसी बात एक आ गई जिसकी वजह से मैंने तुम्हें माफ कर दिया। दोस्तों वह व्यक्ति फरमाने लगे मैंने एक हदीस पढ़ी है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कयामत के दिन जब मेरी उम्मत का हिसाब पेश किया जाएगा तो मैं उस वक्त तक मीजान के यानी उस तराजू के करीब रहूंगा जब तक मेरे आखिरी उम्मत का फैसला नहीं हो जाता। मेरे दिल में ये बात आई कि अगर मैं इस चोर को माफ नहीं किया तो कयामत के दिन यह मुकदमा पेश होगा और जितनी देर मेरे मुकदमे का फैसला होने में लगेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतनी देर जन्नत से बाहर रहेंगे, इसलिए मैंने माफ कर दिया तुझे, इसलिए कि न तो मुकदमा पेश होगा और न ही मेरे महबूब को जन्नत में जाने में देरी लगेगी, वह जल्द जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे। दोस्तों ये है अल्लाह वालों की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक छोटा सा वाकया। दोस्तों आपको इस तरह का वाकया अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से इस्लाम से संबंधित बुजुर्गाने दीन की हम छोटी छोटी वाकियात आपके लिए लाते रहते हैं। शुक्रिया।